दोस्तों, टमाटर की फसल में रस चूसने वाले कीट जैसे हैफिड हुआ, जैसिड्स हुआ, हरातेला हुआ, आपका थ्रिप्स हुआ, इस तरह के जो अटैक होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन उनसे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक एक और रोग आता है टमाटर की फसल में, और जिसको बोलते हैं ब्लाइट यानी झुलसा। दो तरह का होता है झुलसा, एक अगेता झुलसा होता है, एक पछेता झुलसा होता है, जिसको आप अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, लेट ब्लाइट यानी पछेता झुलसा, इसमें क्या होता है, टमाटर के जो निचले भाग की पत्तियाँ होती हैं उनमें सबसे पहले अटैक होता है, और उनमें क्या होता है, सबसे पहले पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के गोल गोल आकार के धब्बे बनने शुरू होते हैं, और उसके बाद में पत्तियां किनारों की तरफ से जलनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद में सूखकर इस तरह से मर जाती हैं। तो इस तरह से जो लेट ब्लाइट होता है उसका अटैक नीचे की पत्तियों पर सबसे पहले होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद में किनारों से पत्तियाँ सूखनी शुरू होती हैं, और उसके बाद में इस तरह से जो आपका जो पूरा प्लांट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जैसा कि आप इस प्लांट को देख पा रहे हैं। इस तरह से जो लेट ब्लाइट होता है उसका प्रकोप आपके टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट में भी सेम ऐसा ही होता है। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, जो ऊपर की पत्तियां होती हैं या कहीं से भी आप पत्तियां उठा लो, इस तरह से जो बीच के अंदर पत्तियों का जो बीच का भाग होता है उसके अंदर ब्राउन कलर के धब्बे बनने स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, मौसम को अपने अनुकूल पाकर यह झुलसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपके जो टमाटर की फसल है उसको पूरी तरह से इस तरह से बर्बाद कर देता है। इस तरह से आपको अगेता झुलसा और पछेता झुलसा को अपने टमाटर की फसल में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इसकी पहचान करके समय पर इसका उपचार आपको करना चाहिए, और इसके लिए आपको अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, और कौन कौन से इंसेक्टीसाइड आपको इस्तेमाल करने हैं, कौन से फंगीसाइड यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इससे रिलेटेड दोस्तों, आपकी टमाटर की फसल में एक और रोग होता है जिसका नाम है फल सड़न, यानी आपके जो टमाटर के फल होते हैं वो इस तरह से सड़कर ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर टमाटर के ऊपरी भाग पे देखा जाए तो एक ब्राउन कलर का धब्बा बनता है, पीले कलर का या व्हाइट कलर का भी आप कह सकते हैं, इस तरह से एक धब्बा बनता है, और उसके बाद में धीरे धीरे टमाटर के अंदर का जो गुद्दा होता है वो धीरे धीरे खराब होकर और पूरी तरह से जो फल होता है वो खराब हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से हम टमाटर में आने वाले तीन मुख्य रोगों के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, यानी एक हो गया अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, और तीसरा हो गया फल सड़न। ये तीनों रोग एक ही कैटेगरी के आप बोल सकते हैं, यानी तीनों रोग जो होते हैं वो फंगस से रिलेटेड ही होते हैं, और इसमें आपको अच्छे अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी इंसेक्टीसाइड के साथ आपको फंगीसाइड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बदल बदल कर जो है फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक ही फंगीसाइड का कंटिन्यू आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो शुरुआत में अगर फंगीसाइड की यहाँ पर हम बात करें, यानी शुरुआती अवस्थाओं में जब आपका प्लांट्स पूरी तरह से स्वस्थ होता है और ऐसा ना हो कि उसमें ब्लाइट जैसी समस्या आपको देखने को मिले या फल सड़न जैसी जो रोग होता है वो आपको देखने को मिले, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको तीन तरह के फंगीसाइड के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, जिनमें से दो फंगीसाइड तो आपको प्रिवेंटिव में काम में ले लेने हैं, यानी शुरुआती अवस्थाओं से ही काम में ले लेने हैं, और उसके बाद में जो आखिरी तीसरा जो फंगीसाइड है वो आपको अपनी टमाटर की फसल में किसी भी तरह का जो फंगस से रिलेटेड रोग है, यानी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, फल सड़न और जो पाउडरी मिलीडू जैसे रोग होते हैं, वो किसी भी तरह का रोग उस फंगीसाइड की वजह से आपको अपने टमाटर की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती अवस्थाओं की दोस्तों अगर हम बात करें तो अपनी फसल के ट्रांसप्लांट के 15 से 20 दिन के बाद में आपको पहला स्प्रे निकालना है, जिसके अंदर फंगीसाइड आपको काम में लेना है कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब, जो कि 12% और 63% के फॉर्मूले में आपको मिल जाता है, वो फंगीसाइड आपको पहले काम में ले लेना है। और उसके बाद में दोस्तों अगले स्प्रे की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगले स्प्रे के अंदर आपको लेना है बायर कंपनी का इंट्राकोल, जिसके अंदर प्रोपीनेब होता है 70%, जो कि WP फॉर्म में आपको मिल जाता है। दोस्तों बायर कंपनी का एंट्राकोल की खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको इसका स्प्रे जो है वो निकाल देना है। इसके साथ में इंसेक्टिसाइड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमिडा क्लोप्रिड 70% WG फॉर्म में आपको मिलेगा, वो आप इंसेक्टिसाइड यहाँ पे काम में ले सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपकी टमाटर की फसल फल और फ्लोरिंग अवस्था में आए तब आपको पावरग्रो कंपनी का रोजटाम जो फंगीसाइड आता है वो काम में ले लेना है। दोस्तों पावरग्रो कंपनी के रोजटाम के अंदर रासायनिक संगठन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन 11% होता है और टेबुकोनाजोल 18.3% होता है, जो कि SC फॉर्म में आपको मिल जाता है। दोस्तों ये आपको किसी भी तरह की जो फंगस से रिलेटेड आपके टमाटर की फसल में रोग आते हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और पाउडरी मिलीडू और फल सड़न जैसे जितनी भी बीमारियाँ आपकी टमाटर की फसल या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल में आते हैं तो उनको पूरी तरह से ये कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों इसके डोज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 40 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से आपको इसका स्प्रे
कर लेना है। दोस्तों अपने वीडियो में हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो हम उन्हीं फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में बताते हैं जिनको हम खुद यूज़ करते हैं, यानी जिनका रिजल्ट हम पहले देख चुके होते हैं उन्हीं के बारे में आपको सलाह देते हैं, और गलत दवाइयों के बारे में हम किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की जानकारी नहीं देते हैं। दोस्तों पावरग्रो कंपनी के रोजटाम के साथ में अगर हम इंसेक्टिसाइड की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर आप पावरग्रो कंपनी का RX 505 यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर क्लोरोपाइरीफोस होता है 50% और साइपरमेथ्रिन होता है 5%, जो कि इसी फॉर्म में आपको मिल जाता है। दोस्तों ये इंसेक्टिसाइड आपकी फसलों में थ्रिप्स, हरातेला, माहू, सफेद मक्खी, सुंडी, तना छेदक और तमाम तरह की इलियों को जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और दोस्तों अगर आपकी फसल में आपको फल छेदने वाली इलियों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस इंसेक्टिसाइड को बदलकर आप इसकी जगह इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में आपको मिलेगा, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उस इंसेक्टिसाइड को आप 10 ml प्रति टैंक के हिसाब से यूज करना है। और दोस्तों जो RX 505 इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताया है, उसकी खुराक आपको 30 ml प्रति पंप के हिसाब से यहां पे आपको रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।